आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेस में। आइए आज डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 42 मैथमेटिक्स की। तो चैप्टर का जो नाम है वर्कशीट 42 ये है बेटा सर्कल, हिंदी वाले बोलते वृत्त। तो कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं इसके बारे में। आप सबसे पहले देखिए, एक वृत्त आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं आप, तो बीच में देखो प्रकार और पेंसिल आपको देते हैं, तो आप ऐसे रख के सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो बीच में जो ये होता है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। ये ओ पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र। ओ जो बिंदु, उसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश वाला कोई साथी है हमारा तो वो उसको क्या बोलेगा, सेंटर, सेंटर बोलेगा बेटा। और अगर हम वृत्त का जो केंद्र है उसको उसकी बाउंड्री से मिला देंगे, इसकी बाउंड्री से, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, इससे अगर इसको मिला देंगे, इसको हमने ए नाम दे दिया। जो ओ ए है, ओ ए जो हमारी एक लाइन बनी है, रेखा बनी है, ओ ए को क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वृत्त की त्रिज्या, या इंग्लिश वाले हमारे साथी क्या बोलेंगे इसको, रेडियस, इसको बोलेंगे रेडियस। और अगर हम इसको ओ पॉइंट ये, इसको ऐसे मिला देंगे, ये लाइन हमारी जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन जो है वृत्त के केंद्र में से गुजर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं बेटा, वृत्त का व्यास बोलते हैं, या इसको इंग्लिश वाले साथी बोलेंगे डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो अगर जो त्रिज्या होती है उसको डबल कर देंगे हम, दुगुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। इसका मतलब जो हमारा व्यास है वो क्या होता है, दो गुणा में त्रिज्या, दो गुणा में त्रिज्या। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर बेटा, तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि OA जो हमको भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, दो ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है, दो गुणा में त्रिज्या। और अगर आपको व्यास से त्रिज्या निकालनी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास और अपॉन में 2/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, त्रिज्या आ जाएगा। तो ये व्यास में और त्रिज्या में क्या रिलेशन है, तो ये खालिस्तान में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। 4 ऑप्शन आपको देंगे तो उनमें ये ऑप्शन में आ सकता है बेटा। तो दो, ये दो रिलेशन निकलते हैं इनमें। तो एक तो हमने ये सीखा वृत्त का केंद्र होता है ये, और जो OA जो बाउंड्री मिलाएंगे वो क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या को डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर या व्यास बन जाएगा। उसके बाद और कुछ जो बेसिक चीजें इसमें यूज करी जाएंगी उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर हमने वृत्त का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बेटा, ये देखिए ध्यान से, वृत्त के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, जो परिधि के ऊपर हमने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट P और क्या लिया है, Q, P और Q पॉइंट लिया, इन दोनों को हमने मिला दिया। बाउंड्री के ऊपर जो 2 पॉइंट लिए बेटा, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो जो पी क्यू रेखा बनी है इसको क्या बोलते हैं, पी क्यू रेखा को क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा। वृत्त की क्या बोलते हैं बेटा, इसको जीवा। और इंग्लिश वाले साथी क्या बोलते हैं इसको, कोड। क्या बोलते हैं इसको, कोड बोलते हैं, ये वृत्त की जीवा है। तो इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर हम हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वृत्त के ऊपर कितनी जीवाएं हो सकती हैं, तो आप देखिए अगर एक बिंदु हमने लिया, एक यहाँ लिया, इनको मिलाएंगे तो एक जीवा और आ जाएगी, यहाँ मिलाएंगे और जीवा आ जाएगी। तो इसका मतलब नाम उसको ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं आप। तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी, अनगिनत बहुत सारी जो है आप इस पे जीवाएं खींची जा सकती है एक वृत्त के ऊपर। और दूसरी बात बेटा, ये मैंने बताता वृत्त का केंद्र है, और जो वृत्त का केंद्र है तो वृत्त में से जो रेखा इसको प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, वृत्त केंद्र से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर या व्यास, अभी बताया था। तो क्या अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या ये जो व्यास है, ये व्यास इसको नाम दे सकते हैं आप, आर एस कुछ भी नाम दे लीजिए, जो व्यास आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये भी एक जीवा है, क्या ये कोड है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीवा की जो परिभाषा हम बता रहे हैं, वृत्त की बाउंड्री जो होती है उस बाउंड्री के ऊपर जो 2 बिंदु होते हैं उन दोनों को मिलाने वाली रेखा ही हमारी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर बाउंड्री पे एक बिंदु आर है, दूसरा क्या है, एस है, तो इनको मिलाने से जो रेखा आई है वो क्या है, आर एस। इसका मतलब ये भी जीवा है। और ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे लंबी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसका मतलब जो डायमीटर हमारा वो भी क्या है, एक जीवा है, वो भी एक कोड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो
बेटा एक भैया बातें सीखी हमने, जो पी क्यू रेखा है वो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। छेदक रेखा वो होती है बेटा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुई वृत्त केंद्र से आर पार चली जाती है, उसको छेदक रेखा बोलते हैं। तो ये चीज एक, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी लाइन खींचने जा रहा हूं मैं, अब एक ध्यान से देखिए आप, एक जो लाइन है रेखा मैंने इस वृत्त के ऊपर खींची है जिसको मैंने नाम दिया ए बी, और ये वृत्त को टच कर रही है किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। अभी तक आप ध्यान से देखिए, अभी तक जो रेखा हमने खींची सारी वृत्त के अंदर खींची है, ये भी वृत्त के अंदर है, लेकिन जो ए बी रेखा मैंने खींची है वो वृत्त के क्या बाहर है, और वो वृत्त को एक ही पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। तो ऐसी कोई भी रेखा जो वृत्त को बाहर की तरफ से एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श करने का मतलब होता है बेटा छूना, एक ही बिंदु पर छू, एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, टच करे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और इंग्लिश वाले साथी हमारे क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश वाले साथी बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। जो ये ए बी रेखा हमारी है वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट है। और कहां पर टच करी? वो सी पॉइंट पर। तो जो सी पॉइंट है वो आप ध्यान से देखें, वो सी पॉइंट एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु होता है साझा बिंदु, जो दोनों पे हो। दोनों का मतलब ये वृत्त के ऊपर भी है बिंदु और रेखा के ऊपर भी है। जो सी बिंदु हमारा सी पॉइंट है वो ए बी रेखा के ऊपर भी है, और जो वृत्त हमारा सर्कल है वो सर्कल के ऊपर भी है। तो इसका मतलब जो वृत्त का और हमारी जो स्पर्श रेखा का जो कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या बोलते बेटा? उसको बोलते हैं सी पॉइंट जो हमारा वो है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। इंग्लिश वाले साथी अगर हैं इसमें तो वो क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने जो आपको अभी तीन चीजें सिखाई हैं मेन आपकी, पहली चीज मैंने आपको बताई वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा है वो दो बिंदुओं को मिलाने से आएगी, जो वृत्त की परिधि के ऊपर जो दो बिंदु होंगे उनको मिलाने से आएगी बेटा। दूसरी बताई मैंने छेदक रेखा। क्या बताया आपको? छेदक रेखा है वो, देखिए आप कैसे होती है, जो वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए के आर पार चली जाएगी बेटा, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। और तीसरी जो हमने बताई वो बताई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर होती है हमेशा, और बाहर की तरफ वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करती हुई वो जाती है, उसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। तो ये हमने कुछ चीजें हैं वो पढ़ी है। अब इसमें जो वर्कशीट में ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, अब जो कुछ क्वेश्चन दिए गए आपकी वर्कशीट में वो डिस्कस करते हैं हम। जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए आपको, अगर देखो आपके पास वर्कशीट भी आ चुकी है वैसे, और मैं वो फिगर ड्रॉ भी कर देता हूं। पहला इक्वेशन जो आपके वर्कशीट में है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया बेटा, और उसमें एक ऐसे रेखा दी गई, उसको सी ओ डी नाम दिया गया है, दो दो पॉइंट को मिलाने से, और एक ओ बिंदु दिखाया गया है। अब जो हमारी जो वर्कशीट का जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें खाली स्थान दिया गया आप, और आपसे पूछा गया, देखिए क्या पूछा है कि दिए गए चित्र में रेखा सी डी को कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, पहला जो प्रश्न हमारा है वर्कशीट में, उसने आपसे पूछा जो रेखा सी डी है उसको क्या कहते हैं हम। तो अभी मैंने आपको बताया कि वृत्त की जो परिधि होती है, बाउंड्री होती है, उसके ऊपर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो पहले का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? जीवा। तो जो पहला उत्तर उसमें जो खाली स्थान भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा? जीवा। अब दूसरा जो प्रश्न दिया गया आपको, दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें ध्यान से पढ़िए, वृत्त की त्रिज्या केंद्र और चाप वृत्त के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? देखो बेटा ये बताया है वृत्त की जीवा, ये केंद्र और ये त्रिज्या, ये आपसे पूछा गया। बिल्कुल देखो सिंपल है, वृत्त का केंद्र क्या है? ओ। त्रिज्या क्या बेटा? त्रिज्या होगी हमारी ओ ए, ये त्रिज्या हो जाएगी। और जीवा क्या हमारी? जीवा हमारी है सी डी। ये वृत्त के अंदर है या बाहर? आप ध्यान से देखे तो ये तीनों के तीनों वृत्त के क्या है? अंदर है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे जो अंतर्भाग में है, ये बाहरी भाग में है या अंतर्भाग में है, आप इसको सीधा लिख सकते हैं, बाहर या अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही तीनों हमारे क्या है? वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर है बेटा, ये वृत्त के अंदर होते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें, वृत्त की व्यास वृत्त की सबसे लंबी। देखो वृत्त का व्यास कैसे आएगा? अभी मैंने आपको समझाया था, अगर इसको मैं ऐसे मिला दूं बेटा और ए बी रेखा ये हो जाए, तो ए बी रेखा जो हो केंद्र में से गुजर रही है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, जो
तो तीसरा खाली स्थान है हमारा, उसमें क्या आएगा, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो तीसरा जो प्रश्न हमारा दे रखा है उसका उत्तर ये बेटा कि सबसे लंबी जीवा होती है, ये आपसे पूछा गया है। जो मैंने आपसे भी पूछा है वही चीजें आपको बताई हैं, वही आपसे वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन के रूप में पूछी पूछी गई है। अभी मैंने आपको बताया कि तीन चीजें हमने पढ़ी थी, आप यहां जूम करिए इसको, कि मैंने आपको बताया कि तीन चीजें हमने पढ़ी बेटा, जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। तो इन तीनों में अगर अंतर स्पष्ट आ जाए, अब ये प्रश्न आ सकता है कि तीन जो रेखाएं हैं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बेटा ये कैसे करेंगे, इनके तीन तीन पॉइंट है आपको ये वर्कशीट में भी दिए गए हैं, लेकिन आप इनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। पहले हम बात करें कोड की या जीवा की। जीवा जो होती है वृत्त के अंदर स्थित होती है। जीवा जैसे ये होगी सीडी जीवा हमारी, ये कहाँ है, वृत्त के अंदर है। तो पहला बिंदु हमारा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त के अंदर स्थित होती है कौन, जीवा। अगर हम छेदक रेखा की बात करें, छेदक रेखा जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब जैसे मैंने बताया, अगर एक रेखा मैंने ये खींच दी, जैसे पी क्यू रेखा जो हमने खींच दी यहां से पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे टच कर, तो इसमें से आर पार जा रही है भाई, तो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा जैसे पी क्यू रेखा है वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित होती है। अगर अभी अभी हमने ड्रॉ की थी स्पर्श रेखा, कि जैसे ये वृत्त हमारा और हमने स्पर्श रेखा अभी ड्रॉ कर दिया, ये सी ए बी और सी पॉइंट पे टच कर रही है, तो मैंने बताया स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, वृत्त से बाहर होती है। तो वृत्त को बाहर, वृत्त के बाहर स्थित होती है स्पर्श रेखा हमारी। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है। अगर जीवा की बात करें, जीवा का जो सेकंड पॉइंट है, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, दो बिंदु सी और डी पे जैसे छू रही है, तो वही ये वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, और ये दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जो हमारी छेदक रेखा है वो दो बिंदुओं पर क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है उसको टच करते हुए उसके अंदर से निकल जाती है, उनको काटते हुए उन बिंदुओं के अंदर से आर पार निकल जाती है। और जो दूसरा पॉइंट हमारा किसका, स्पर्श रेखा का, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है। स्पर्श रेखा जो होती है, टेंजेंट जो होता है, वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर, जैसे सी बिंदु दिख रहा है आपको, एक ही बिंदु पर वो छूती है हमेशा। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, जीवा जो होती है वृत्त के केंद्र से होके जा सकती है। बेटा देखना, व्यास जो आपको दे रखा है वो वृत्त के केंद्र से होके जा रहा है, तो इसका मतलब जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर जा सकती है। सीकेंट जो है वो केंद्र से भी जा सकती है। अब कैसे बेटा, देखो ये वृत्त का केंद्र है, अगर एक हम यहां से रेखा खींच देंगे, ये पी और क्यू पॉइंट पे इसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो ये देखना बेटा, ये रेखा जो केंद्र के अंदर से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि प्रतिच्छेदक जो रेखा है वो केंद्र से भी होकर जा सकती है, लेकिन स्पर्श रेखा है वो कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती, स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के बाहर ही रहेगी। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है उनको वीडियो भी सेंड कर दी जाएगी, तो उसमें आप देख लेना, वीडियो में समझ लेना अगर कोई पॉइंट आपका छूट गया तो। अब वर्कशीट में नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अनसॉल्वड क्वेश्चन बेटा ये, जो आपसे पूछे गए हैं कि अब आपने अगर ऊपर की चीजें समझी हैं तो नीचे जो क्वेश्चन दिए उनका आंसर दीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न जो दिया गया आपसे, आपको वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक बार देखिए चित्र के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर किसी बच्चे को जब समझ नहीं आया हो। इसने कहा बेटा, एक सर्कल ड्रॉ किया आपने वृत्त, और इसके एक स्पर्श रेखा लिया आपने बेटा, ये ए बी स्पर्श रेखा है, सी बिंदु पर ये टच कर रही है, सी बिंदु पर। तो इसने प्रश्न क्या पूछा है, वृत्त, ये वृत्त हो गया बेटा, और वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी, और इसको इसके ऊपर जो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ अभी मैंने बताया था कॉमन बिंदु, जो दोनों के उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो पहला जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा हमारा, वो आएगा स्पर्श बिंदु। तो पहले खाली स्थान में स्पर्श बिंदु है बेटा। आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया गया है अनसोल्ड वर्कशीट में सबसे नीचे,
उसमें क्या दिखा बेटा, आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा, अनगिनत, इनफाइनाइट मैनी। तो दूसरा का उत्तर जो होगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी, मतलब अनगिनत, अनगिनत स्पर्श रेखा इसके ऊपर हम खींच सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को वृत्त पर दर्शाइए। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, एक वृत्त आपने खींचा, उसके ऊपर पी क्यू क्या दिखाया आपने, स्पर्श रेखा जो आर बिंदु पर क्या करती है, टच करती है, दिखाई छेदक रेखा ए बी। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा, जो कि आपसे पूछा गया एक चित्र के द्वारा समझाइए। इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया जिसमें ट्रू फॉल्स पूछा आपसे, फोर्थ क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है ट्रू फॉल्स के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा वर्कशीट में सबसे नीचे की तरफ एक फोर्थ क्वेश्चन चौथा प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको ये बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सत्य और असत्य बताना बेटा। फोर्थ क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसमें क्या पूछा है बेटा, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है। बेटा दो रेखाएं होती है, एक स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा, क्या एक दूसरे के समांतर हो सकती है, इसका उत्तर तो ये बेटा सत्य है, ट्रू है, लेकिन कैसे बेटा, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपकी स्पर्श रेखा ए बी, सी पॉइंट पे टच कर रही है, और ये होगी बेटा छेदक रेखा, ये होगी हमारी छेदक रेखा पी क्यू, और ये दोनों क्या है, समानांतर है। समानांतर रेखा वो होती है बेटा जिनको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी ना काटें, तो ये हमारा सत्य है, दो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। अब बी पार्ट देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये बिल्कुल गलत है बेटा, ये असत्य है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है मैंने आपको पहले समझा दिया, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वो सी बिंदु हमारा वहीं पर स्पर्श करेगी बस। तो ये हमारी जो वर्कशीट है वो 42 का जो सॉल्यूशन है बेटा, इसमें थ्योरेटिकल थी सारी चीजें, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ये चीजें बस आपको याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है, अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट वर्कशीट के बारे में समझाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप मैसेज करिए, उसकी प्रॉब्लम आपके नेक्स्ट क्लास में है ना वो सोल्व कर दी जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसएन शर्मा क्लासेज बेटा, उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी वीडियो जो पिछली है वो वहाँ मिल जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।